सुपरस्टार शाहरुख खान और इनके बेटे आर्यन खान एक ब्रांड लॉन्च कर चुके हैं, जबकि इस ब्रांड और इसके लोगों को लेकर काफी इंकशाफात भी किए जा रहे हैं और लोग ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि क्या वाकई शाहरुख खान भी कुछ ऐसा वैसा शैतानी काम कर सकते हैं। हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल जनरल पंजाब रेलवे। मैं तुहाडा दोस्त सनमीत सिंह। जिहड़ी अज दी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, उहदे विच शाहरुख खान ते उहनां दे बेटे वल्लों एक नवा ब्रांड लॉन्च किया गया। उहदे विच कहा जा रहा है कि जो उहनां दा लोगो है जो वो है थोड़ा शैतानी किस्म का, थोड़ा डैवल एल्यूमिनाटी टाइप है। देखते हैं वो की है। इहदे बारे आपां अगे भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाते रहने हैं। जिहड़ियां सैलीब्रिटीज़ है जिन्हें भी आर्टिस्ट आ वड्डे वड्डे हॉलीवुड दे बॉलीवुड दे, उन्हां ते थोड़ी जी आपां नूं ये चीज़ां देखने को मिलदी हैं एंड वो वाकई है ना, तो उहदे पिछे सारा की रहस्य है जो इन्हां दा ब्रांड खोलिया नवा, देखते हैं अज्जी वीडियो च। लेकिन उस तो पहले तुसीं एक अपने दूजे चैनल तो आली वीडियो जरूर देखियो। जिहड़े लोग कहिंदे कि भाजी सिख हिस्टरी बारे वीडियोज़ बनाया करो, एक महान सिख नायक होए ने द ग्रेट वॉरियर बंदा सिंह बहादुर, उन्हां दी हिस्टरी है। 18 मिनट ते 50 सैकेंड की वीडियो है, बड़ी मेहनत लगी इस वीडियो नूं बनाउंदे, जाके प्लीज़ एक बार देखियो जरूर। लेकिन पहला आली वीडियो देख लो, लगदे आ तां अपने चैनल सबसक्राइब कर लो एंड इंस्टाग्राम चेक करना ना भूलियो, क्योंकि इत्थे काफ़ी सारे वीडियोज़ आपां तुहाडे नाल देखदे आ, लाइव भी होवांगे एंड होर भी गल्लां बातां जिहड़ियां आपां करांगे। सो जिहड़ी अज्ज दी वीडियो शुरू करदे आ, बिना किसी देर तों चक दो फटे ते नप दो किल्ली आ जाओ कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार शाहरुख खान और इनके बेटे आर्यन खान एक ब्रांड लॉन्च कर चुके हैं, जबकि इस ब्रांड और इसके लोगों को लेकर काफी इंकशाफात भी किए जा रहे हैं और लोग ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि क्या वाकई शाहरुख खान भी कुछ ऐसा वैसा शैतानी काम कर सकते हैं। दरअसल आज की इस वीडियो में हम आपके साथ यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि शाहरुख खान और इनके बेटे आर्यन खान की जानिब से लॉन्च किए गए ब्रांड की हकीकत आखिर क्या है, इनके इस ब्रांड के लोगों में छुपा राज आखिर किस बात की निशान। अच्छा आ लोगो इन्होंने ब्रांड दा याओल कितना प्रोनाउंस करना है, याओल है वाई तो आओल है, वाई साइलेंट होगी मे बी ऑल होएगा अवॉल दाओल दाओल कुछ इदा दा होगा आई थिंक, क्रॉस क्यों है भाई विच नहीं करता है। और आखिर इतने कम वक्त में इनके ब्रांड्स की महंगी तरीन प्रोडक्ट्स सिर्फ एक ही दिन में सेल होने की क्या वजह है, तो ये सब जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे इतनी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम वीडियो का बाकायदा आगाज कर सकें। दोस्तों सबसे पहले आपको इस बात से आगाह करते चलें कि शाहरुख खान और इनके बेटे आर्यन खान की जानिब से एक ब्रांड लॉन्च किया जा चुका है जिसे ड्यूवल एक्स का नाम दिया गया है। अब तक इनकी ब्रांड कंपनी के कई कमर्शियल्स भी मैं दयाल दयाल करन दिया, वो डैवल ही है लिखन का तरीका, देखो इदा का पता नहीं केड़ी लैंग्वेज के थ्रू इन्होंने लिखा डैवल चलाए जा चुके हैं, जबकि शाहरुख खान की जानिब से कहा गया है कि ये एक फैनिश ब्रांड है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के कपड़े वगैरह के प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। अब यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस ब्रांड के लोगों के बारे में मुख्तलिफ किस्म के इंकशाफात किए जा रहे हैं कि इस ब्रांड के लोगों का डबल मीनिंग बनता है, और हकीकत में ये बात काफी हद तक सच भी है क्योंकि अगर एक नजर से देखा जाए तो ड्यूल एक्स का मतलब आम अल्फाज में डेवल बनता है। अगर इसे और साफ अल्फाज में बयान किया जाए तो डेवल के मानी साफ शैतान के निकलते हैं, जबकि रशिया वगैरह जैसे ममालिक में ड्यूल को डेवल कहा जाता है। अगर इस पूरे लोगो पर नजर दौड़ाई जाए तो ड्यूल के साथ एक रेड कलर का एक्स भी लिखा देखने को मिलता है जिसे रशिया में एंटी क्राइसिस का नाम दिया जाता है। अब सवालात यहाँ ये भी उठ रहे हैं कि आखिर शाहरुख खान ने अपनी फैशन ब्रांड कंपनी के लिए इस किस्म का ही नाम क्यों चुना, क्या ये सब किसी गलती के तहत हो सकता है या जानबूझकर ये सब किया गया है। अगर बात की जाए इस लोगो के नाम की गलती के तहत रखने की तो एक बात कंफर्म है कि ऐसा गलती के तहत तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग इतने भी बच्चे नहीं हैं कि इन सब चीजों के बारे में कुछ भी ना जानते हो। बिल्कुल, अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बताते चले कि एक मरतबा शाहरुख खान और इनके बेटे आर्यन खान की जानिब से एक मूवी रिलीज की गई थी जिसका नाम रावण था। इस फिल्म के अहम किरदार भी यही दोनों थे, जबकि हैरत अंगेज तौर पर इस मूवी का राइटर भी आर्यन खान ही था। यहाँ ये बात जानना भी आपके लिए काफी जरूरी है कि रा का अगर मतलब निकाला जाए तो ये मतलब मिस्र के बाशिंदों से जा मिलता है। शाहरुख खान अपनी इस फिल्म में अपना नाम लूसीफर कहते दिखाई देते हैं और लूसीफर का मतलब है शैतान। ये लोग ये बात बखूबी जानते हैं कि शैतान किसे कहते हैं और शैतानों के क्या काम होते हैं, जबकि इसके अलावा भी कुछ ऐसे ही मिलते जुलते अल्फाज ये अपनी मूवीज में इस्तेमाल करके इन्हें प्रमोट करने की कोशिश करते रहते हैं। इसके अलावा बैलेंसियागा नाम भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है और इस ब्रांड को एक बार तकरीबन $25 मिलियन के नुकसान का सामना भी करना पड़ा।
दरअसल ये अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए बच्चों और बड़ों को निशाना बना के गलत चीजें फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इस ब्रांड की कुछ तस्वीर भी वायरल हुई थी जिसमें एक डॉल यानी गुड़िया दिखाई गई थी जिसमें उसने अडल्ट ड्रेस पहन रखा था। ये वही ड्रेस था जो अमेरिका और यूरोपियन ममालिक की वो लड़कियां पहनती हैं जो जिस्म फरोशी के काम करने में शामिल होती हैं। इस तरह इस तस्वीर में एक बच्चा भी दिखाया गया था जिसने इनके ब्रांड के कपड़े पहन रखे थे, मगर साथ ही एक तस्वीर लगी थी जिसमें एक डेविल यानी के शैतान उतरता दिखाया गया था। इसलिए लोगों ने इस ब्रांड के खिलाफ काफी सवालात भी उठाए थे कि बच्चों के इस्तेमाल की चीजों में डबल मीनिंग जैसी चीजों का आखिर क्यों इस्तेमाल किया गया है, और यूं इस हरकत की वजह से इन्हें एक भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ा। तो ये सब चीजें किसी गलती के तहत कभी नहीं की जा सकती, बल्कि जानबूझकर डबल मीनिंग के तौर पर इस्तेमाल की गई है। ये कहना गलत नहीं होगा कि बड़े बड़े ब्रांड्स और सेलिब्रिटीज शैतान को डबल मीनिंग के तौर पर प्रमोट करते हैं, और इन ब्रांड्स और सेलिब्रिटीज के फैन भी इन पर इस हद तक फिदा हैं कि ये लोग अपने फैंस को जो पहनने के लिए देते हैं ये फौरन से वो चीजें खरीद कर पहन लेते हैं, और ये तक नहीं सोचते कि जो चीज हम इनसे खरीद कर पहन रहे हैं वो ठीक भी है या नहीं। यहाँ एक हैरानगी की बात यह भी है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्यूल एक्स ब्रांड की प्रोडक्ट्स इतनी ज्यादा महंगी होने के बावजूद भी ये सिर्फ एक ही दिन में तमाम तर प्रोडक्ट सेल करने में कामयाब हो गए थे। दरअसल बहुत से लोगों का यह मानना है कि इनके लोगों में जो रेड कलर का एक्स रखा गया है वो ब्लैक मैजिक की निशानदेही करता है। ब्लैक मैजिक वो जादू है जो इंसानी खून के साथ किया जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि शाहरुख खान के ब्रांड समेत इस वक्त दुनिया में जितने भी बड़े बड़े ब्रांड मौजूद हैं, वो सब अपनी प्रोडक्ट्स अपनी महारत के तहत नहीं बल्कि ब्लैक मैजिक की मदद से सेल करते हैं। और शाहरुख और आर्यन खान ने भी अपने ब्रांड की प्रोडक्ट्स एक दिन के अंदर अंदर सिर्फ ब्लैक मैजिक के जरिए ही सेल की हैं। इसके अलावा ड्यूल एक्स नामी ब्रांड की एक जैकेट भी लॉन्च की गई थी जिसकी कीमत तकरीबन 3 लाख रुपए के करीब बताई गई थी, मगर हैरत की बात यह है कि ये जैकेट्स भी बहुत कम वक्त में सारी की सारी फरोख्त हो गई। जबकि इस ब्रांड के फैंस इस वजह से खुश थे कि इस सब के पीछे लोगों का आर्यन और शाहरुख खान से प्यार है, मगर हकीकत कोई नहीं जानता कि इस सब के पीछे सिर्फ ब्लैक मैजिक का ही हाथ है जिस वजह से इनका ब्रांड अरूज पर जा पहुंचा है, क्योंकि प्यार और मोहब्बत में कोई भी इतनी जल्दी इतनी महंगी चीज कभी नहीं खरीदता। यहां तक कि अब ये अपनी जो नई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे इनके फैंस वो चीजें फौरन इनसे खरीद लेंगे, और इनकी तमाम तर प्रोडक्ट्स को बेहद शौक से इस्तेमाल भी किया जाएगा। लोगों को मालूम तक नहीं होगा कि वो किस पागलपन के तहत इतनी महंगी चीजें इनसे खरीद रहे हैं, क्योंकि इस सब के पीछे ब्लैक मैजिक काम कर रहा है। इसके अलावा शाहरुख खान की एक और तस्वीर भी वायरल हुई थी जिसमें इनकी शर्ट पर भेड़िए की एक आंख भी बनी हुई नजर आती है। दरअसल ये भी एक ब्लैक मैजिक की अलामत है, क्योंकि इस जादू में इस किस्म के जानवरों को भी इस्तेमाल में लाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसानी खून के कतरों को इस्तेमाल किया जाता है। शायद आप न जानते हों कि एक मर्तबा एक शो काफी वायरल हुआ था जिसमें इंसानी खून का इस्तेमाल किया गया था, और ये शो एक बहुत बड़े ब्रांड नाइकी कंपनी का था, इसलिए शो काफी ज्यादा महंगा था, लेकिन ये भी बहुत कम वक्त में और बड़ी तादाद में फरोख्त होना शुरू हो गया, जबकि इस शो पर कुछ शैतानी अल्फाज में भी लिखा हुआ था। तो ये सब चीजें देखकर लोगों का वहम यकीन में बदल गया कि वाकई ये सब एक ब्लैक मैजिक की मदद से किया जा रहा है, इसमें इनकी अपनी कोई काबिलियत मौजूद नहीं है। अब इन सब चीजों में एक बात कॉमन है कि इन सब में कहीं ना कहीं एक्स का लफ्ज जरूर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यही रेड एक्स आर्यन खान के ब्रांड के लोगों में भी मौजूद है। यहां आपको एक और बात से भी आगाह करते चले कि शाहरुख खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने अपनी इस पोस्ट में अपनी बेटी के बारे में काफी फखर के साथ किसी चीज की मुबारकबाद देते हुए लिखा था कि बेटा तुम अपने ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो, जबकि इसी पोस्ट में शाहरुख खान ने अपनी बेटी को लेडी इन रेड कहकर भी मुखातिब किया। अगर आप लेडी इन रेड का मतलब नहीं जानते तो जान लें कि लेडी इन रेड उन लड़कियों को कहा जाता है जो जिस्म फरोशी का धंधा करती हैं। तो ये सब कुछ आपको बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि ऐसे लोगों का क्या दीन ईमान हो सकता है जो अपनी बेटी के बारे में ऐसे बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जो अपनी बेटी को लेडी इन रेड जैसे अल्फाज के साथ पुकार सकते हैं। वो अपने ब्रांड्स को कामयाब और शोहरत दिलाने के लिए ब्लैक मैजिक का भी यकीनी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो मुअज्जिज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। भाई बहुत ही ज्यादा शॉकिंग न्यूज़ सी ये है आज दी। अच्छा जड़ा लास्ट वाला सीगा लेडी इन रेड वाला, तो चलो हो सकता है कि उन्होंने उस तरीके नाल ना किया होवे, बट जिहड़ियां बाकी गल्लां सीगियां वो तो बहुत ही दिमाग नूं हिला देने वाली सीगियां। सीरियसली मैन, मतलब
एक कोई इंसीडेंट तो है नहीं, सीरियस सीधी जी गल है, ठीक है। जो लोग अज की वीडियो में देख के जिन्होंने पहली बार ये चीज़ा सुनिया उन्होंने लगता होगा कोई इंसीडेंट है। गाइज दिस इज़ नॉट अ को इंसीडेंट, ओके, क्योंकि इदन दी चीज़ा तुसी देख लो जिन्हें भी वड्डे वड्डे रैपर्स है, आर्टिस्ट है, हॉलीवुड के, बॉलीवुड के, वो हमेशा ना साइंस बनाते हैं, कोई इदा साइन बना रहा है, ठीक है, कोई होर शैतानी साइन बना रहा है, कुछ इदा करके होंगे, कोई साइन इदा होंगे, आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन होंगे है कुछ इदा के साइन, ठीक है। तो वो हमेशा उन्होंने चीज़ों को काउंट किया जाता, चाहे कोई सिंगल ट्रैक आ रहा, कोई फिल्म आ रही है, कोई एल्बम आ रही है, कोई स्टेज शो है, कुछ भी है। लाइक जिम्मे उन्होंने नाइकी का दसिया कि उन्होंने अपने शो के इंसान के खून की वरतों की एंड ब्लैक मैजिक टाइप, देखो जोड़े लोग मानते हैं ब्लैक मैजिक है, सो है ज़्यादातर जी ऑडियंस कह लगा, ज़्यादातर जी दुनिया है उन्हों का मनना है कि ब्लैक मैजिक तरह दीज़ा होंदिया। सो जेकर ये चीज़ा होंदिया वो इल्यूमिनाटी वाला जो कंसैप्ट वो चल रहा है यार। मैं थोड़ा लास्ट वीडियो भी गल की स्टैटनिक जो चर्चिज बनिया होंदिया कि जो हनी सिंह का एक रीसेंट इंटरव्यू से उन्हें वो दसिया कि जो मैं उस चर्च में गया, मतलब वो इंटेंशनली नहीं गए थे, किसी के कहते चले गए, लेकिन बाद उन्होंने पता लगा कि यह जी चर्च दूजी सी, वो कहते जिदा ही मैं एंटर होया तो इन नैगेटिव वाइब्स आ रही हैं, इदा लग रहा जिदा कंप्रैशन हों कोई इदा कंप्रैस हो रही चीज़, कहना मेरी बॉडी में इदा फील होया, वो पता नहीं की सी, कहता कहना मैं दवा दवा तो बाहर निकलिया, ठीक है, कहना मैनू गुरु नानक देव जी सामने आ गए तो मैं एकोदम उतो निकलिया भी ये मैं कितने आ गया। सो आ गल करते ना मेरे लू गंडे खड़े हो रहे हैं, सीरीयसली ये गल्ला सच्चा सच है बिल्कुल, क्योंकि तुसी देखो होर भी काफ़ी सारे आर्टिस्ट है, चाहे शकीरा होगी जां वड्डे वड्डे हॉलीवुड दे जिन्ने भी आइकन्स है, ठीक है, जां बॉलीवुड दे है, वो सारे ये चीज़ों यूज़ करते हैं। हुण मतलब होर भी बहुत कुछ है यार दुनिया च, तुसी ए डैवल वो साइन ही क्यों बनाना, जिहड़ी रावण फिल्म आई सी उन्हां दा भी इन्होंने पूरा कॉन्सैप्ट दसता भी ये चीज़ है, नाम उहदा वाकई लूसीफर हुंदा, लूसीफर नूं शैताना दा राजा मन्निया जांदा है पता सारिआं नूं, तो है यार ये चीज़ा, ये कोई आम गल नहीं गी, एंड इन्हें ये जी जो भी ऑर्गनाइजेशन है ना ये हमेशा टारगेट करती है इनफ्लुएंसर्स नू जां आर्टिस्टां नू, क्योंकि जेडे वो लोग आ पता है किन्ने लोगों के रोल मॉडल्स है। सो जेकर वो चीज़ कोई वड्डा आर्टिस्ट करता तो जेडे उन्हां दे फैन है वो उन्होंने उन्होंने फॉलो करना ही है, सिंपल जी गल है ना, तो वो जो करते फिर उही चीज़ा वो करन दी कोशिश करते हैं, सो इस करके उन्होंने टारगेट किया जाता। अच्छा एक होर गल इदा दी हुंदी है कि ये जिहड़े भी इदा दे हुंदे आ कि एक सौदा करते हैं शैताना दे नाल, वो किसी तरह का भी सौदा हो सकता, तुहानू कुछ ना कुछ देना पैंदा क्योंकि जो ब्लैक मैजिक हुंदा ना उहदे विच कहिंदे कि कदे भी आए नहीं है कि तुसीं कुछ भी कर लोगे तो तुहानू कुछ उहदा देना नहीं पऊगा, तुहानू कुछ ना कोई कुरबानी कोई सैक्रीफाइस देना पैंदा। तो जो एक गल ज़्यादा वायरल हुंदी आ वो तो यही है कि इन्हां दी वैबसाइट भी हुंदी है, डार्क वैब ते जाने आ तां उत्थे बहुत कुछ तुहानू देखण नूं मिल जूगा, एंड सौदा कई ये हुंदा कि तुसीं सानूं फेम दवाओ असीं अपनी आत्मा तुहानू सैल कर रहे हैं वेच रहे हैं जां जो तुसीं कहोगे असीं उह करांगे, उहदे विच कुछ भी हो सकदा कि एक होर वीडियो आपां अपलोड करांगे एक दो दिन च, उहदे विच दस्सिया कहूगा दस्सिया कि एक मुंडा सीगा जिहदा नाम दैनिश करके सीगा कुछ, ते उह बंदे ने शैतान नाल सौदा कीता कि मैं कुड़ियां दा कतल करूँगा, ठीक है, तो तुसी मैनू आ चीज़ देनी है, इदां दे सौदे हुंदे है। तो ये मैनू तो भी काफ़ी हद तक जिहड़ियां गल्लां च सच्चाई लगती है, ये कोई इदां तो है नहीं। अच्छा काफ़ी सारी इदां दी वीडियोज़ भी वायरल हुई जिन्हां च तुहानू अनयूजुअल जिहियां मूवमेंट्स देखदी हैं जिहदे विच हॉलीवुड दे स्टार्स आ उहनां दी किसे कोई दी अख इधर मूव हो रही है कुछ हो रहा है कोई बाह इदां मूव हो रही है लाइक जिदा होवे ही ना किसी का हथ फील हुंदा, एंड हुण तो मैनू भी चीज़ां लगन लग गईआं कि यार किते ना किते कुछ तो है, मतलब हाँ जो इदा की कोई चीज़ होंगी तो वो फेक भी बहुत कुछ जुड़ जुड़ता पर कुछ तो है, कुछ नैगेटिव वाइब्स नैगेटिव एनर्जी कुछ तो है जिदे नाल सिस्टम ना खराब हो रहा है। बाकी थोड़ा की मन मैं कमेंट करके जरूर दस्यो, तो जान तो पहले अपने चैनल में सबसक्राइब करो जिदा नाम है भी पंजाबी रील टीवी, आ इंस्टाग्राम इन भी फॉलो कर लियो, तो आ चैनल अपना इनू फॉलो करो। ये कल एक बुक बारे भी गल की जिदा नाम सेगा शम्स अल मारफ, कहिंदे भी जिहड़ा भी वह बुक नूं पढ़दा वह पागल हो जाता, दिमागी संतुलन बिगड़ जाता, तो एक क्यामत दीयां नवीयां निशानियां की है उहदे बारे भी ये गल की गई है, तुसीं ये दो वीडियोज़ भी जाके जरूर देखियो, ठीक है। सो जाण तो पहलां चैनल सबसक्राइब पक्का करियो, मिलते हैं किसी होर वीडियो, तद तक मैनूं दिओ इजाजत, सति श्री अकाल।